सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लेकर आ चुके हैं कैसा वीडियो, जिसमें हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं कैसी इस रिमोट कंट्रोल कार की, जो BMW की मॉडल कार है। बाकी यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, हमें इस वाली कार में हेडलाइटें भी मिल जाती हैं और ऊपर खुलने वाले गेट भी मिल जाते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी लोग। बाकी इसके अलावा भी कई सारे फीचर्स हैं जो वीडियो में हम आगे आप सभी को बताने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर से देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में इसकी अनबॉक्सिंग के साथ साथ टेस्टिंग भी करने वाले हैं और टेस्टिंग में बहुत ज़्यादा मजा आएगा। तो चलिए जल्दी से इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। तो फाइनली यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी लोग, हमारी पावरफुल रिमोट कंट्रोल BMW कार बाहर आ चुकी है और इसका साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। भले ही आप सभी को कैमरे में ना लग रहा हो, पर इसका साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो इसके साथ हमें ये वाला रिमोट मिल जाता है और हमें इस वाले रिमोट में काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड की जाती है। ये रहा आगे और पीछे जाने का बटन, ये रहा साइड बटन जिसे हम लेफ्ट और राइट ले जाते हैं अपनी इस वाली रिमोट कंट्रोल कार को, और ये रहा बीच में एक और बटन है जो हमारे गेटों को खोलने के लिए है, और ये रही एक हेडलाइट जो कार के चलते हुए जलती है। बाकी इसके साथ हमें एक छोटा सा चार्जर भी मिल जाता है, जिससे हम इस वाली रिमोट कंट्रोल कार को चार्ज करते हैं। बाकी इसके साथ हमें 3 बैटरीज भी मिल जाती हैं, जो इस वाली रिमोट कंट्रोल कार के साथ एकदम फ्री है, यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी लोग। और अगर हम बात करें इस वाले सेल की पावर की, तो ये है 700 mAh की, तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तीनों को रखते हैं साइड में और आ जाते हैं अपनी रिमोट कंट्रोल कार की ओर। फाइनली यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी लोग, ये हमारी BMW की स्पोर्ट कार। बाकी इसके गेट भी खुल जाते हैं, देख सकते हैं आप सभी लोग, और अभी सेल भी डालेंगे, आप सभी को चलाकर भी दिखाएंगे। बाकी इसके गेट भी खोलकर दिखाएंगे कि कैसे खुलते हैं इसके गेट। बाकी साइड से देखने में कुछ ऐसी लगती है, और पीछे से देख सकते हैं आप सभी लोग, एकदम क्लियर लुक इसे दिया गया है कंपनी द्वारा। और यहाँ पर इसकी डिग्गी भी खुल जाती है, देख सकते हैं आप सभी लोग, ये रही। और एकदम छोटा सा बूट स्पेस यहाँ पर मिलता है, ज़्यादा कोई सामान आ नहीं पाएगा इस वाली कार में। बाकी इस वाली साइड से देख सकते हैं कुछ ऐसी लगती है, और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लुक इसे दिया गया है कंपनी द्वारा। और यहाँ पर इसके स्टीयरिंग को कंट्रोल करने के लिए एक बटन भी दिया गया है, देख सकते हैं आप सभी लोग। ये रहे आगे के टायर्स, और ये रहे पीछे के टायर्स, और ये रहा इसका बैटरी कंपार्टमेंट। और यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी लोग, छोटा सा पिन मिल जाता है जिसमें हम चार्जर को कनेक्ट करते हैं, और ये रहा इसका स्विच ऑन और स्विच ऑफ बटन। तो चलिए एक बार इस वाली रिमोट कंट्रोल कार में सर डाल कर देख लेते हैं और देखते हैं कि कैसे चलती है ये वाली रिमोट कंट्रोल कार। यहाँ पर हमारे सेल पड़ चुके हैं, चलिए इस वाले ढक्कन को बंद कर देते हैं और अपनी इस वाली कार को ऑन कर लेते हैं। तो हमारी कार भी ऑन हो चुकी है, तो चलिए अब इसे चलाकर दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग इसकी हेडलाइटें देख सकते हैं, कितनी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अब चलते हैं आउटडोर और आप सभी को इसके साथ कई सारी टेस्टिंग करा के दिखाते हैं, ताकि आप सभी को और भी ज़्यादा मजा आए। तो चलिए चलते हैं।